राजधानी दिल्ली के रोहिणी इलाके में बने आशा किरण शेल्टर होम में 14 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली सरकार ने तत्काल मामले पर एक्शन लिया है और 48 घंटे के अंदर रिपोर्ट भी मांगी है। वहीं इस मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, भाजपा सांसद मनोज तिवारी और अन्य नेताओं ने सरकार पर जमकर हमला बोला। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में यहां 27 मौतें हुई हैं। इसका कारण गंदा पानी, संक्रमण, तपेदिक और निमोनिया लग रहा है। ऐसी कई खबरें मीडिया में चल रही हैं। सवाल ये है कि ये किसकी लापरवाही है? ये आप सरकार की आपराधिक लापरवाही है, क्योंकि ये शेल्टर होम चलाना उनका काम है। इसका मतलब है कि इसमें भ्रष्टाचार के साथ साथ आपराधिक लापरवाही भी है, जिसके कारण 27 लोगों की जान चली गई। शहजाद पूनावाला ने कहा कि मैंने वहां एक टीम भेजी है, मुझे लगता है कि NHRC को भी इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए। वहीं इस घटना पर भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, दिल्ली में सांस लेना मुश्किल है, खबरें पढ़ना मुश्किल है। आशा किरण में मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों को रखा जाता है। जानकारी मिली है कि बच्चों को ठीक से खाना नहीं दिया जाता। वहां अगर बच्चे बीमार पड़ जाएं तो उन्हें इलाज नहीं मिलता। आम आदमी पार्टी को अपने पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। आए दिन ऐसी खबरें आती हैं, आम आदमी पार्टी जो कहती है वो करती कहाँ है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली को बेहद दुखद स्थिति में पहुंचा दिया है। दिल्ली को बचाने के लिए ऐसे लोगों को पद से हटाना बेहद जरूरी है। वहीं राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने कहा, पिछले 20 दिनों में दिल्ली सरकार द्वारा संचालित आशा किरण आश्रय गृह में 13 मौतें हुई हैं। कारण अभी तक पता नहीं चल पाया। जब मैं DCW में थी तो मैंने स्थिति का निरीक्षण किया था। यहाँ स्थिति बेहद ही खराब है, क्योंकि ना तो उचित स्टाफ है और ना ही डॉक्टर। हमने उस समय एक रिपोर्ट बनाई और दिल्ली सरकार को सौंपी, लेकिन उस समय कोई कार्रवाई नहीं की गई। मैं मांग करती हूं कि इस मामले में कार्रवाई की जाए और FIR दर्ज की जाए। मैं इस मुद्दे को संसद में उठाऊंगी। वहीं इस घटना को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि दिल्ली सरकार ने आशा किरण शेल्टर पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है। आप भी सुनिए इस दौरान रेखा शर्मा ने क्या कुछ कहा। और इसमें सबसे ज्यादा प्राइमा फेशिया ये मिला है कि पानी एक तो कंटेमिनेटेड है, फिल्टर्स प्रॉपरली लगे नहीं हुए। अभी मैं किचन में होके आई हूँ, वहां पर भी फिल्टर नहीं है। पानी जो भी आ रहा है, जो भी बच्चों को पिला रहे हैं, और जितने लोगों की डायरिया से ज्यादातर अधिकतर डेथ हुई है, ये भी पाया गया है कि 4 घंटे के अंदर अंदर एक बच्चे की डेथ हुई है डायरिया होते ही। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल दिल्ली के आशा किरण शेल्टर होम पहुंची। मंत्री आतिशी का कहना है कि रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई में यहां 14 मौतें हुई हैं। इन 14 में से एक बच्चा भी है। इस घटना को लेकर भाजपा नेता शाजिया इल्मी ने कहा, रिपोर्ट आ रही है कि 27 मौतें हुई हैं। जो लोग मरे हैं वो सभी मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं। इस घटना के लिए कौन जिम्मेदार है और उनका गठबंधन ऐसा नहीं करता। सभी इस मुद्दे पर बोलने की जहमत उठा रहे हैं। अब दिल्ली सरकार किसे दोष देगी? उनके पास राजनीति करने का समय है, लेकिन उस मुद्दे पर बोलने का समय नहीं है। अरविंद केजरीवाल को अब इस्तीफा दे देना चाहिए। वह इन सब आरोपों के बीच दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी अपने सरकार का बचाव करती हुई नजर आई और उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार आशा किरण शेल्टर में रह रहे लोगों का विशेष ख्याल रखा जाता है। अगर इसमें कोई भी दोषी पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। अब ऐसे में देखना यह है कि आशा किरण शेल्टर में हो रही मौतों पर कार्रवाई करती है क्या सरकार, नींद से जागेगी और दोषियों पर कार्रवाई करेगी या नहीं।